गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। टुडे वी विल रीड इंग्लिश रीडर बुक लेसन 6 सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। वन इवनिंग द कंट्री माउस ट्रॉटेड ऑफ हिज फर नाइसली, ब्रश्ड हैंड हिज पास एंड टेल टिडी एंड क्लीन। एक शाम को कंट्री माउस तेजी से अपने फॉर मीन्स बाल, अपने फर को ब्रश करता है, एंड पाज एंड टेल, पूछ और अपने पंजों को भी साफ करता है। द टाउन माउस मीट हिम जस्ट आउटसाइड द बिग सिटी एंड वॉर्न हिम एट वंस दैट ही मस्ट बी केयरफुल हिम टू लेट एनीबडी सी हिम देयर। टाउन माउस कंट्री माउस को अपने आप इन्विटेशन देके गया था, इन्विटेशन के लिए बुलाता है, अपने यहाँ विजिट करने के लिए बुलाता है। इन्विटेशन पर टाउन माउस अब उसको बड़े शहर से बाहर मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि तब वो आए तो वह सावधानी से आए, कोई भी उसको यहाँ आते हुए ना देखे। बोथ ऑफ देम वेरी कॉटवसली, दोनों ही सावधानी से क्रिप्ट टुगेदर वेयर मिस्टर टाउन माउस हैड बीन लिविंग। कंट्री माउस जो होता है वह टाउन माउस के यहाँ पहुँच जाता है और दोनों ही सावधानी से, कंट्री माउस और टाउन माउस दोनों ही जहाँ पर टाउन माउस रहता है, टाउन माउस उसको अपने बिल में सावधानी से ले जाता है जहाँ पर उसका बिल था। ही वेलकम हिज गेस्ट इन टू अ होल एंड थ्रू द होल दे रीच्ड अ लार्ज डाइनिंग हॉल वेयर द चेयर वर कवर्ड विद रेड सेटिन। ही वेलकम हिज गेस्ट, वेलकम मीन्स स्वागत करना, गेस्ट मीन्स जो उसके मेहमान था, कंट्री माउस उसके लिए मेहमान था टाउन माउस के लिए, तो जो टाउन माउस होता है वह कंट्री माउस का वेलकम करता है, स्वागत करता है गेस्ट के रूप में। एंड इन टू अ होल, और जो उसका होल होता है बिल, उसके अंदर से होते हुए वह एक डाइनिंग टेबल के पास पहुंच जाते हैं, अपने होल से होते हुए वह एक डाइनिंग टेबल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर रेड कलर की चेयर्स थी, जहां पर चेयर्स रखी हुई थी उस पर रेड कलर के कवर थे, रेड चेयर्स थी और उस पर रेड कवर थे। ओके स्टूडेंट्स, ऑन द टेबल देयर वर मैनी सिल्वर एंड गोल्डन प्लेट्स। डाइनिंग टेबल थी जो उस पर मैनी मीन्स कई सिल्वर एंड गोल्डन की प्लेट्स रखी हुई थी, सोने और चांदी की प्लेट्स रखी हुई थी। ऑल काइंड ऑफ डिशेज वर सर्व्ड फॉर ए ग्रेट फीस्ट, सभी प्रकार एक अच्छी दावत के लिए सभी प्रकार की डिशेज सर्व की गई थी, मीन्स व्यंजन परोसे गए थे। मिस्टर कंट्री माउस माउथ वाटर एंड ही डिड नो वेयर टू स्टार्ट। मिस्टर कंट्री माउस माउथ वाटर्ड, कंट्री माउस के मुंह में पानी आ जाता है और वह सोचता है कि वह स्टार्ट कहाँ से करे, क्योंकि उसके आगे इतनी सारी डिशेज रखी हुई थी, वह कंफ्यूज हो जाता है उनको देखकर, वह यह सोचने लगता है कि वह शुरू कहाँ से करे, सबसे पहले कौन सी डिश को खाए। वाई डोंट यू ट्राई दूस बॉयल एग्स, सजेस्टेड मिस्टर टाउन माउस। क्यों ना आप बॉयल्ड एग मीन्स उबले हुए अंडे, क्यों नहीं आप उबले हुए अंडे से शुरू करो, उबले हुए अंडे खाओ। टाउन माउस सुझाव देते हुए कहता है कि क्यों नहीं आप उबले हुए अंडों से शुरू करो। मिस्टर कंट्री माउस रेन स्लोली टू हैव ए टेस्ट ऑफ एग्स। मिस्टर कंट्री माउस अंडों की तरफ अंडों को टेस्ट करता है, धीरे से अंडों को टेस्ट करता है। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज फीस्ट वैन द डोर ओपन एंड अ पार्टी ऑफ लाफिंग पीपल केम इन टू द रूम। जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं, जैसे ही कंट्री माउस और टाउन माउस स्टार्ट करते हैं खाना, अपनी दावत शुरू करते हैं, तो डोर ओपन, वैसे ही दरवाज़ा ओपन हो जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। एंड ए पार्टी ऑफ लाफिंग पीपल केम इन टू द रूम, और कुछ लोग आ जाते हैं, पार्टी करने वाले कुछ लोग हंसते हुए अंदर आ जाते हैं, रूम के अंदर एंटर करते हैं वो। मिस्टर टाउन माउस एट वंस डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड मीन्स गायब होना, इन टू द होल एंड हिज विजिटर रश आफ्टर हिम।
मिस्टर टाउन माउस एक बार गायब हो जाता है इनटू द होल, बिल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो लोग आते हैं तो वैसे ही जो टाउन माउस होता है वो अपने बिल के अंदर गायब हो जाता है, अपने बिल के अंदर चला जाता है। और जो उसका विजिटर होता है, विजिटर मीन्स जो कंट्री माउस होता है, जो उसका गेस्ट होता है, वो भी उसके पीछे भाग जाता है। कीप क्वाइट स्टिल, शांत रहो, द टाउन माउस विस्पर्ड, साउंड टाउन माउस फुसफुसाते हुए कहता है कि शांत रहो। और दे विल नो वी आर हेयर एंड नेवर रेस्ट टिल दे किल अस, अभी शांत रहो, टाउन माउस कहता है, अगर उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ छुपे हुए हैं, तो वे हमें बिना आराम करे ही मार देंगे। मतलब तब तक वो हमें मारने देंगे तब तक वो आराम नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।